ओके फ्रेंड्स, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक सर्किट गिवन है, वो कह रहा है फाइंड करंट इन डायोड। हमें क्या करना है, हमें इस डायोड में करंट निकालना है। अगर आप सर्किट को ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में एक रेसिस्टर है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में एक रेसिस्टर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, आप करंट को वोल्टेज में, वोल्टेज को करंट सोर्स में कभी भी कितनी भी बार आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि जो आपके पास लोड है ना, जो भी एनालिसिस आपको करना है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर दूँ, इसको करंट में कन्वर्ट कर दूँ, तो ये जो करंट है ना, ये ब्रांच डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर ये ब्रांच डिस्टर्ब नहीं हो रही है, मतलब जो हमारा रिस्पॉन्स है, अगर वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो आप कितनी बार अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये वोल्टेज सोर्स के सीरीज में है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बोलो? ये हमारे पास बन जाएगा करंट सोर्स, ठीक है। अब ये इसके पैरेलल में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये इसके यहाँ पे, ये पैरेलल में आ गया, और ये 2 ओम का तो अपने पास यहाँ पे है ही, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक डायोड है, ठीक है, दिस इज अ डायोड वी आर हैविंग। उसके बाद इसको जब वोल्टेज सोर्स में कनेक्ट करोगे ना, तो ये आपके पास यहाँ पे सीरीज में आ जाएगा, और ये आपके पास बैटरी हो जाएगी प्लस माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, सबसे पहले इस तरह से हमने यहाँ पे ये सर्किट बना लिया। तो ध्यान रखना, जहाँ पे एरो होता है ना, जब बैटरी है, तो करंट को भी ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो करंट क्या होता है, वोल्टेज इनटू में रेसिस्टेंस। तो ये करंट कितने का हो गया, 5 एम्पियर का। ये 2 ओम का रेसिस्टर है, ये 2 ओम का रेसिस्टर है, और ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, करंट इनटू में वी इक्वल टू IR। तो ये आपके पास कितना हो गया, 4 वोल्ट। सो दिस इज नथिंग बट 4 वोल्ट, और ये हमारे पास कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो आई होप दोस्तों, ये जो मैंने यहाँ पे सर्किट बनाया, इस सर्किट में अभी तक यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स था ना, VS था, और ये हमारे पास क्या था, RS था, इसको मैंने क्या किया, करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद देखो, ये हमारे पास क्या, दोनों रेजिस्टर किसमें, पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 2 × 2 = 4, और 2 + 2 = 4, 4/4 कितना हो गया, 1 ओम। तो ये सर्किट ऐसे हमारे पास बन गया। तो अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे करंट सोर्स हो गया, ठीक है, इस करंट सोर्स के पैरेलल में। अब ये सर्किट अपने पास ये बन जाएगा जो है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने सर्किट को ना रीड्रॉ कर दिया। तो ये जो 2 ओम और 2 ओम का जो कॉम्बिनेशन था ना, ये 1 ओम हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको दोबारा से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे, तो ये रेसिस्टेंस हो गया, और ये अपने पास बैटरी हो जाएगी प्लस माइनस, ठीक है। और ये अपने पास जो डायोड में करंट है, ये अपना डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 2 ओम का रेसिस्टर और ये बैटरी अपने पास, दिस इज प्लस माइनस, और ये अपने पास यहाँ पे ये सर्किट बन गया, ये 4 वोल्ट हो गया, ठीक है। ये 2 ओम, इसको तो डिस्टर्ब हमने किया ही नहीं। तो वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू में रेजिस्टेंस। तो ये कितने हो गया, 5 वोल्ट का हो गया, ये 1 ओम का हो गया, और इस ब्रांच में जो करंट होगा, वो हमारे पास क्या होगा, आई होगा। तो मुझे बताओ, अब ये हमें करंट निकालना, तो आप सभी को पता है करंट क्या होता है, करंट होता है आई इज इक्वल टू में नथिंग बट वी बाय में आर, ठीक है, यही हमने पढ़ा है। अब देखो, ये 5 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। पोलरिटी देखो ध्यान से, मैं सेकंड पोलरिटी ले रहा हूँ, माइनस प्लस, तो ये अपने पास कितना आ गया, ये 5, ठीक है, प्लस माइनस, तो ये -4 हो गया, डिवाइड बाय में। दोनों रेसिस्टर किसमें है, सीरीज में है, तो ये 3 हमारे पास हो गया। तो 5 − 4 = 1, सो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 1/3 एम्पियर हमारे पास आ गया। तो दोस्तों, इस डायोड में हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है, वो हमारे पास कितना फ्लो कर रहा है, वो हमारे पास 1/3 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखें, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, ये जो करंट सोर्स है ना प्रैक्टिकल, इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया था, और ये जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है ना, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया था, करंट में। तो अब ध्यान से देखो, आप कितनी बार, कोई ये बाउंडेशन नहीं है, कितनी बार करंट को वोल्टेज में कर लो, वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट कर लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो रिस्पॉन्स है ना, मतलब ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये जो एलिमेंट है ना, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसके क्लोज जो भी रिस्पॉन्स है। तो आई होप दोस्तों, आपको ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, और ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये सब आपको समझ में आया होंगे जो है।